नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खास पेशकश अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। सोमवार से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो गया, जहां सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में शोक प्रस्ताव आया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष रही इंदिरा हृदयेश, विधायक गोपाल रावत, बच्चू सिंह रावत, नरेंद्र भंडारी को भी श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी इस दौरान श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष रही इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सर्वाधिक मतों से महिला विधायक जीतने का रिकॉर्ड इंदिरा हृदयेश के नाम है। इनके अलावा गंगोत्री से विधायक रहे गोपाल रावत को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भावुक होते हुए ये कहा कि उत्तराखंड आंदोलन में गोपाल रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपको बता दें कि 5 दिवसीय यह सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के बैठने के साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश इस समय हमारे बीच से चली गई। उनको जो संवेदना आज सदन में सभी छात्रों ने दी, हमारे दूसरे विधायक ओम गोपाल जी हैं, ओम गोपाल राव जी हैं, वो जो समय हमारे बीच से चले गए और जो लोग हैं उनको सभी ने जो है संवेदना जो है व्यक्त की और अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव साझा किए कि किस तरीके से जो है हमारा अनुभव रहा है। आज किसी को क्या शिकायत होगी, आज तो जो संवेदना व्यक्त की गई और जो व्यक्ति संवेदना व्यक्त करना चाह रहा था अध्यक्ष जी ने सबको जो मानसून सत्र का आज पहला दिन श्रद्धांजलि का दिन है। बहुत से वरिष्ठ हमारे नेता आज हमारे बीच में नहीं है तो उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। अभी पहले क्रम में हमने डॉक्टर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी को श्रद्धांजलि दी है, उसके बाद बहुत ही वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी हैं, हमारे गोपाल रावत हैं, अन्य 7 लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो आज हमारे मध्य में नहीं हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे और कल से विधिवत फिर सदन प्रारंभ। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुभाष, आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब आने वाले सदन के जो सत्र हैं उनमें दिनों में कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कई तमाम मुद्दे होंगे, उनकी कोई कमी नहीं होगी, तो ऐसे में क्या माना जाए कि आखिरकार किन अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो सत्र में अपने जवाब मांगेगी? अजय, बिल्कुल, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन था और 5 दिवसीय इस सत्र में कहीं न कहीं विपक्ष ने दावा किया है कि ये सदन हंगामेदार रहेगा, क्योंकि जनहित के जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो सदन में सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आज सदन का जब पहला दिन था तो इस दिन कहीं ना कहीं जो विधायक पूर्व में दिवंगत हो गए उन सभी को श्रद्धांजलि के तौर पर आज का दिवस आरक्षित रखा गया था। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री बंसीधर भगत इस बार नए पद पर हैं और पहली बार इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो नए सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इन सभी बड़े नेताओं ने और तमाम विधायकों ने स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश, गंगोत्री से विधायक गोपाल रावत, हरिद्वार से पूर्व विधायक अमरीश कुमार और पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र भंडारी के साथ ही पूर्व विधायक को भी आज श्रद्धांजलि दी और कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज का जो पहला दिन था वो श्रद्धांजलि के तौर पर विधानसभा के सदन में रखा गया। हालांकि इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने ये जरूर कहा था कि 2-2 विधायक समक्ष में इसके लेकर अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे, लेकिन क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने अपील की थी कि सभी विधायक थोड़ा थोड़ा श्रद्धांजलि इनको अर्पित करेंगे। वहीं अगर बात की जाए सदन के बाहर की तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि लगातार उत्तराखंड बनने से लेकर अभी तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उन्होंने आज बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया, उन्होंने विधानसभा घेराव किया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि भू कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर वो विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज का जो विधानसभा सत्र था सदन के भीतर वो शांतिपूर्वक चला, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज आहूत किया गया था। हालांकि कल दूसरा दिन विधानसभा सत्र का है जहाँ
विपक्ष कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को सदन में घेर सकती है। जी जी सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट और जानकारी के लिए। तो यानी कि अब जो आने वाले जो दिन हैं, जो विधानसभा सत्र, मॉनसून सत्र जो अब शुरू हो चुका है उत्तराखंड का, तो इसमें काफी कुछ देखने को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरीके से अपने आप को तैयार बता रही है कि अब उनके पास मुद्दों की कोई भी कमी नहीं है। और दूसरी तरफ जोशीमठ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हर तरह के मनमुटाव भूलकर अब एकजुट होकर मिशन 2022 फतह करने की तैयारियों पर लगने की बात कह दी है। आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सबको आज से ही बूथ स्तर पर अपनी मजबूती दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि हम सबका परिवार ही कांग्रेस है और हमारी पहचान ही कांग्रेस से ही है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कई बीजेपी से जुड़े लोगों ने गणेश गोदियाल के सामने ही बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, जिसमें अधिकतर युवा ही शामिल रहे। जोशीमठ मुख्यालय कांग्रेस पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और यहां टैक्सी स्टैंड जोशीमठ पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए सबसे एकजुट होने की बात कही, उनसे अपील की। बीजेपी सरकार द्वारा बेरोजगारी, महंगाई, तेल, गैस, पेट्रोल और मलारी बॉर्डर रोड पर ढील ढिलाई करने और नीति घाटी के लोगों की सुध नहीं लेने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही प्रदेश सरकार को भी घेरा है। तो जोशीमठ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जिसमें उन्होंने जमकर सरकार को घेरा और कई मुद्दों पर सरकार पर सवाल भी खड़े किए। वही चमोली में पैनी और हेंगल ग्रामीणों ने जल विद्युत परियोजना निर्माती संस्था THDC पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए पैनी और हेंगल ग्रामीणों ने THDC गेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि THDC ने परियोजना निर्माण से पहले कई विकास कार्य करने के बाद भी परियोजना प्रभावित गांव और क्षेत्रों के लिए किए गए, लेकिन आज से वे अपने वादों से मुकर गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव वालों ने विद्युत परियोजना को अपने खेत खलियान और चारागाह सब दे दिए, लेकिन प्रभावित गांव में विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने मांग भी की है कि THDC अगर जल्द से जल्द गाँव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण नहीं कर पाती है तो यह विरोध आंदोलन का रूप अब ले सकता है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि अपनी मांगों को लेकर जिला चमोली को भी उन्होंने ज्ञापन अपना सौंप दिया है। साथ ही साथ लोगों ने शासन और प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कब तक शासन और प्रशासन कब तक ग्रामीणों की मांगों को पूरा करेगा। जो अभी हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है 20 तारीख से, वो लगभग 4 दिन पूर्ण होने के बाद भी अभी भी THDC कंपनी हमारे जो ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं उनकी कोई सुध लेने के लिए राजी नहीं है। और बार बार जो 8 सालों से हमारे ग्राम सभा को, हमारे ग्राम सभा के जनता को बार बार बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाती जा रही है। और हमारा जो पूरा संपूर्ण शिष्टमंडल कई बार THDC से मिल चुका है, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे जो न्यायोचित मांगे हैं उस पर कोई सुध नहीं ली। हम लगातार धरना प्रदर्शन पर हैं, अगर इसके बाद भी ये हमारी मांगे पूर्ण नहीं की जाती हैं तो हम अपने पूरे बच्चों के साथ, अपने गाय भैंसों के साथ यहाँ पर गेट पर धरना प्रदर्शन देंगे और रात दिन का हमारा धरना अनिश्चितकालीन रूप से चलता रहेगा जब तक हमारे रोड की मांग पूर्ण नहीं होती है। अब खबर जोशीमठ से, जहां पर मलारी तिब्बत बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क के पिछले 2 हफ्ते से तमक मरकुड़ा में बाधित होने के चलते सीमांत नीति घाटी का संपर्क भारत से टूटा हुआ है। चमोली के जिले आपदा प्रबंधन ने आला अधिकारी भी मौजूद इस दौरान रहे। घाटी के दर्जनों ऋतु प्रवासी ग्रीष्मकालीन गांवों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, या फिर यूं कहें कि अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बंद नीति बॉर्डर रोड को लेकर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू से फोन पर बातचीत की और घाटी के लोगों को मलारी मोटर मार्ग बंद होने से हो रही परेशानियों पर हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है।
इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव से मलारी हाईवे के बंद होने की पूरी जानकारी भी ली है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। साथ ही बीआरओ द्वारा सड़क को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करने के लिए भी केंद्र सरकार की मदद का आश्वासन दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऋषि प्रसाद सती ने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से फोन पर बातचीत की और मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। वहीं आवाजाही अभी भी बाधित है। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने यहां पर फोन पर बातचीत की है, नीति बॉर्डर को लेकर ये वार्ता हुई है जहां पर अब आवाजाही में काफी बाधा आ रही है और काफी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड मुख्य सचिव से मुलाकात की है और इन सारे मुद्दों को लेकर अवगत भी कराया है कि किस तरीके से लोगों को आवाजाही में यानी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, राजमार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि आवाजाही में अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, बाधित है, रोड को रोक दिया गया है, वहां की आवाजाही को रोक दिया गया है। जब तक कि इस पूरे मैटर को सुलझा नहीं लिया जाता है, जब तक कि इस पूरी जो सड़क पर जो परेशानी हो रही है उसको सुलझा नहीं लिया जाता है तब तक बाधित कर दी गई है। वहीं सोमवार को महाविद्यालय गोपेश्वर परिसर में छात्रों ने फीस माफ की मांग पूरी ना होने पर छात्रों और महाविद्यालय के परिसर के बीच में माहौल गर्मा गया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के गोपेश्वर परिसर में छात्र छात्राओं ने फर्स्ट और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा के बिना फीस लेने पर NSUI से जुड़े कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल स्नातक प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिए बिना परीक्षा फीस लेने पर NSUI छात्र संगठन में गुस्सा है। छात्रों ने महाविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जिसमें महाविद्यालय की तरफ से परिसर में पुलिस बल की तैनाती भी करनी पड़ी। महाविद्यालय परिसर में पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस दौरान छात्रों ने बताया कि कोरोना के कारण महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई लेकिन विश्वविद्यालय परिसर द्वारा छात्रों से सेमेस्टर फीस जमा करवा दी गई। छात्रों ने मांग पूरी ना होने पर कुलपति का कड़ा विरोध भी जताया है और आगे और ज्यादा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी सीधे तौर पर दे दी है। तो छात्रों ने कुलपति के मुर्दाबाद के इस दौरान नारे भी लगाए, जमकर विरोध प्रदर्शन जताया। NSUI से जुड़े कार्यकर्ताओं और छात्रों ने इस दौरान विरोध प्रदर्शन किया। ये हमारी मांग सबसे पहले ये थी कि हमारी जो फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम और MA फर्स्ट सेम और ये MA फाइनल की थर्ड सेम में जो फीस ली गई हमें ये कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा, तो वो फीस हमने सेकंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम में माफ़ करवाने की मांग की थी, क्योंकि हमने जो फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम में थ्री की फीस दी थी जिसके ना पेपर हुए ना कुछ हुए और असाइनमेंट के बेस पे छात्रों को प्रमोट किया गया। और हमारी यह मांग है कि हमें जो सेकंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम के जो फॉर्म भरे हैं उसमें हमारी फीस माफ़ हो। हमने 11 दिन हो गए हैं लगातार हमने ज्ञापन देते देते, यहाँ से प्राचार्य महोदय हमें कहते हैं कि आप कुलपति से बात करो, कुलपति से बात करो, और कुलपति का हमें कोई जवाब नहीं आएगा, हमें कोई जवाब ना आया है ना अभी तक आया है। और जो हमें महाविद्यालय में हम ज्ञापन सौंप रहे हैं और यहाँ से भी कह रहे हैं तुम ज्ञापन दो, ज्ञापन दो, मात्र बहलाने फुसलाने का काम हमें किया जा रहा है यहाँ पे। हम प्राचार्य महोदय और यहाँ पे जो हमारा आज यहाँ पे तालाबंदी है NSUI समस्त NSUI परिवार की ओर से, क्योंकि छात्रों के साथ जो हम उन्होंने फीस ली गई है, तीन सेमेस्टर की फीस हमने फ्री में दी हुई है, तो इसलिए हमारा आज ये प्रदर्शन है कि तालाबंदी महाविद्यालय। और उधर हल्द्वानी जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। पहला मामला अल्मोड़ा से सामने आया है। डेंगू का मरीज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उसका इलाज अभी जारी है। डेंगू का मामला आने के बाद जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है और अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाने की तैयारियां अब जोरों शोरों से चलनी शुरू कर दी गई है। जबकि सुशीला तिवारी अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बनाया जा चुका है। DM के मुताबिक यानी जिला अधिकारी के मुताबिक जिले के हर सरकारी अस्पताल में
डेंगू वार्ड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल की एक टीम को डेंगू के लिहाज से तैयार किया जा रहा है, जो जलभराव वाले इलाकों में वहां के स्थानों पर मॉनिटरिंग करेगी और उन जगहों पर मेडिकल छिड़काव भी किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी किया जा रहा है, जिससे कि डेंगू के मामलों से सख्ती से निपटा जा सके। नैनीताल के जिला अधिकारी के मुताबिक एक मेडिकल की टीम को रामनगर, कालाढूंगी और हल्द्वानी की हर लोकेशन पर नजर रखने के साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं। तो मेडिकल की टीम अब अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि जिले में डेंगू ने अब दस्तक दे दी है। हल्द्वानी से एक मामला सामने आया है, जिसके बाद अब पूरा जो प्रशासन है, जो मेडिकल टीम है, चिकित्सा प्रशासन है, वो पूरा का पूरा जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। तो ऐसे में डेंगू वार्ड तैयार करने के भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि बड़ी आसानी से पहला केस आने के बाद अलर्ट हो जाए, तो उसके बाद जो है वो तमाम ऐसी सिचुएशन नहीं ना आने दे कि डेंगू जैसे मामले आगे बढ़ सके। तो उनको रोकथाम के लिए, उन्हें रोकने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। एक लार्ज स्केल पर हम लोग अभियान चला रहे हैं, क्यों गौरव जाली में ही नहीं और उसके पूरे जिले में जिन जिन क्षेत्रों में आशंका रहती है कि जलभराव की स्थिति आएगी, और खास कर प्लेस के एरियाज में रामनगर हो, कालाडूंगी हो, हमारा लाल कुआ हो और हल्द्वानी का क्षेत्र है, तो वहाँ पर सोर्स रिडक्शन पर हम लोग काम करेंगे। और ये एहतियात के तौर पर आज हमारी टीम भी चली गई होगी मेडिकल की, और नगर निगम के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, पटवारी हैं, उन सबको हम इसमें। और वही दूसरी तरफ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी 8 अप्रैल 2021 को निकाले गए पुष्टाहार टेंडर प्रक्रिया पर रोक जताते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 हफ्तों का वक्त दिया है। आपको बताते चले कि हरिद्वार के स्वयं सहायता समूह लिब्बा रेड्डी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार सप्लाई के लिए जो भी टेंडर निकाले जाएं, उसमें स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण समूहों को वरीयता दी जाए। राज्य सरकार ने जानबूझकर टेंडर प्रक्रिया में ऐसी शर्तें रखी ताकि आंगनबाड़ी में पुष्टाहार सप्लाई में स्वयं सहायता समूहों को बाहर किया जा सके। तो पुष्टाहार टेंडर प्रक्रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और ये तमाम जो बातें हैं वो इस दौरान कही। तो स्वयं सहायता समूहों को वरीयता दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वहीं दूसरी तरफ अब खबर रायवाला थाना अंतर्गत नेपाली फार्म तिराहे के पास एक मासूम नवजात बच्ची पुलिस ने बरामद की है, जिसे राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को स्वस्थ घोषित किया है, स्वस्थ बताया है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची को पैदा होने के कुछ घंटों के बाद ही झाड़ियों में फेंक दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ रायवाला थाना पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। आसपास के प्रतिष्ठानों और पुलिस के द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी अब खंगाली जा रही है, जिससे कि पुलिस आरोपी तक पहुंच सके, आरोपी का पता लगा सके। वहीं दूसरी तरफ चंद घंटों की बच्ची को झाड़ियों में फेंकने के मामले से एक बार फिर से मां की ममता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। मां की ममता शर्मसार नजर आ जाती है। रायवाला थाना क्षेत्र थानाध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत ने यह भी बताया कि बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देहरादून को सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है। आज सुबह 3:30 बजे एक नवजात शिशु को, जो कि थाना रायवाला से लोग लाए थे, वो हमने अपने नर्सरी में एडमिट करा है और नवजात शिशु इस वक्त स्टेबल है और उसके सारे वाइटल्स वगैरह सब नॉर्मल है और हमने उसको एज अ ऑब्जेक्शन में अपने उसमें रखा है, जिससे हम उसकी कुछ जांचें करा सकें और उसके फीड वगैरह भी हम यहीं से हॉस्पिटल से ही करा रहे हैं। और हमने अभी 2-3 दिन ऑब्जेक्शन में उसको रखने का, ये अभी हमने उसकी कुछ जांचें करानी है, जो CWC वाले जो उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कुछ जांचों के लिए बोला है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, पुराना जांच हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया, तो उसके लिए अभी हमें 1-2 दिन उसको अभी एडमिट करना पड़ेगा और जब जांचों की रिपोर्ट वगैरह आ जाएगी तो हम जो संबंधित CWC है उसमें हम उसको अब रिपोर्ट बता देंगे उनको।
तो नवजात बच्ची को पुलिस ने बरामद किया है, जिसे राजकीय चिकित्सा ऋषिकेश में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को स्वस्थ बताया है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची को पैदा होने के कुछ घंटों के बाद ही झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं रायवाला थाना पुलिस ने भी मामले में जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। आसपास के प्रतिष्ठानों और पुलिस के द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी अब खंगाली जा रही है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि आखिरकार आरोपी कौन है। वहीं इस पूरी घटना के बाद मां की ममता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मां की ममता शर्मसार हो गई है। रायवाला थाना अध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देहरादून को सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है। तो ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो मां की ममता पर एक तो सवाल खड़े होते हैं और दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार ऐसी हरकतें क्यों की जाती हैं। बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया, वो भी बिल्कुल कुछ पैदा होते ही कुछ घंटों के बाद। ऐसी जब कोई वारदात को अंजाम देता है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होने लाजमी है, और साथ ही साथ माँ पर भी सवाल। उनकी ममता शर्मसार हुई है, माँ पर भी सवाल खड़े होते हैं। और आखिरकार आरोपी कौन है? आरोपी पकड़े जाने के लिए पुलिस पुरजोर मेहनत कर रही है। सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं। तो नवजात शिशु मिलने से इलाके में भी हड़कंप मच गया है। नेपाली फार्म के पास रोड के किनारे ये नवजात शिशु मिला है, बच्ची है, जिसे पुलिस ने बरामद किया है और इसके बाद इसे चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है, बात कही गई है पुलिस की तरफ से। तो नवजात शिशु मिलने से हड़कंप मचा है। हालांकि ऐसी जब वारदात सामने आती है दिल दहला देने वाली कि मासूम बच्ची नवजात बिल्कुल, क्योंकि पैदा होते ही कुछ ही घंटों बाद झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, ना कोई सुध ली जाती है कि बच्ची जिंदा होगी या फिर जीवित नहीं रहेगी। तो ऐसे में उसके जो परिजन हैं, बच्ची के परिजन हैं, उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये क्यों ऐसी वारदात सामने आती है कि क्या केवल इसलिए क्योंकि वो लड़की थी इस वजह से उसको झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया जाता है? कोई भी उसके लिए कोई कंसर्न नहीं दिखाता, कोई भी उसके लिए कोई ऐसी भावुकता नहीं रखता दिल में कि बच्ची है तो, लेकिन पैदा होते ही कुछ ही घंटों बाद झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामलों के बाद माँ पर भी सवाल खड़े होते हैं, उनकी ममता भी शर्मसार हो जाती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त बच्ची, जो नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली है, उसकी स्थिति इस वक्त कैसी है? यहाँ जो बच्ची है, कल रात मिली है, वो उसकी हालत अभी स्टेबल है और वो जो एम्स हॉस्पिटल में है और वहाँ के जो डॉक्टर ने बताया वो की अभी उसकी हालत पहले से काफी बेहतर है, क्योंकि वो सिर्फ 8-10 घंटे पहले ही फेंकी गई थी, उसकी नाल तक नहीं कटी हुई थी और ऐसी स्थिति में उसको जिंदा रहना उसका बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जो स्थिति है अब पहले से बहुत बेटर है, कोई इन्फेक्शन नहीं है और उसको मशीन पे रखा हुआ है। जी देखिए संजय, इस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये क्यों इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, क्यों एक नवजात बच्ची को पैदा होने के कुछ ही घंटों बाद झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया जाता है, तो क्या कुछ कारण निकल कर सामने आया है? अभी थोड़ी जांच में जुटी हुई है कि ये बच्ची को कब फेंका गया है, क्योंकि उस एरिया में सीसीटीवी की थोड़ी सी दिक्कत है, वहाँ सीसीटीवी की फ्लाई ओवर के नीचे का मामला है और वहाँ लगी है पुलिस जो आगे पीछे इधर उधर से कहीं से पूछताछ करके इस विषय की जांच में लगी है। अगर जो भी इसमें निकलता है वो सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से बच्चों को फेंकना ये एक मानवता के बहुत ही खिलाफ है और इस तरह की हरकतें मानवता के खिलाफ है। और इससे ममता, जो माँ की ममता कही जाती है कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नर्म रहती है माँ, उसकी ममता पर भी सवाल खड़े होते हैं। और ये तो केवल बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है कि एक बच्ची को पैदा होने के कुछ ही घंटों बाद झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया जाता है केवल इसलिए कि क्या वो बच्ची है, क्या वो लड़की है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय।
सितारगंज में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले यानी कि सिमरनजीत सिंह का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिमरनजीत सिंह, विशिष्ट अतिथि मनोज गोयल, चेयरमैन रमेश गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर महेश मित्तल ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हॉकी के चैंपियन सिमरनजीत सिंह ने जयपुरिया स्कूल के बच्चों को संबोधित किया और ये कहा अपने संबोधन में कि पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि खेल के फील्ड में बहुत ही कुछ संभव है, आगे बहुत कुछ किया जा सकता है खेल के फील्ड में। आज मैंने ओलंपिक में देश का और अपने क्षेत्र का नाम ऊंचाइयों तक तो पहुंचा दिया है, तो ये सब मेहनत और लगन से संभव हो पाया है। कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। इस दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर महेश मित्तल ने ये भी कहा कि 41 साल बाद देश को मेडल दिलवाने वाले हॉकी के चैंपियन को हम 21वीं सदी के हॉकी का जादूगर भी कहेंगे। तो हॉकी के जादूगर सिमरनजीत सिंह का भव्य स्वागत किया गया। फिलहाल अपना उत्तराखंड के इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।